हेलो एवरी वन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एस एस सी प्लेटफॉर्म जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो कन्फर्म कर दीजिए फॉर डी वन वीडियो आर क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू एंड फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को आज का जो डिस्कशन है हमारा वो आर आर बी एल पी के बायोलॉजी uh, के जो हमारा थ्री हंड्रेड प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी पे बेस्ड है तो आज के सेशन में भी हम लोग बायोलॉजी का लास्ट सेगमेंट कंप्लीट करने वाले हैं टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर द थ्री हंड्रेड प्लस बायोलॉजी एम सी क्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो ऑल ऑफ यू एंड लाइक द वीडियो एज पर आर आर बी एल पी आप लोगों को जो हमने पीवीएस कराए थे उसमें आप लोगों को पता होगा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू शुरुआत करते हैं डिस्कशन की विद द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आज का द फिन ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल्स इज कॉल्ड जानवरों के द्वारा ग्रीष्मकालीन नींद की घटना को क्या कहा जाता है ना लॉन्ग स्लीप जो है एनिमल्स दो मौसम में करते हैं दे आर टू सीजन इन विच लॉन्ग स्लीप बाय एनिमल्स टेक्स प्लेस कौन कौन सी होती है एक होती है विंटर स्लीप एक होती है समर स्लीप ठीक है समर स्लीप को बोला जाता है एस्टिवेशन एस्टिवेशन uh, के अंदर जैसे जो uh, सर्दियों में या विंटर्स में हाइबरनेशन है दिस इज विंटर स्लीप जिसके अंदर जानवर पूरी सर्दियां सोते हैं ऐसे ही एस्टिवेशन होता है जिसमें जानवर पूरी गर्मी सोते हैं बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव द हॉट वेदर ऑफ समर ठीक है देन विच टाइप ऑफ सेल स्किन इज मेड अप ऑफ त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है वट टाइप ऑफ सेल आर द स्किन सेल्स मेड ऑफ नो हमारी स्किन है उसपे हम जो लोग बैच में उनको पहले कराया है स्किन के ऊपर क्या है सबसे ऊपर वाली लेयर है और सबसे ऊपर जो है हमारी कौन सी लेयर रहती है एपिडर्मल एपिडर्मल सेल्स सेल्स जो है ये हमारे स्किन को बनाते हैं डिफरेंट शेप्स में होते हैं तो डिपेंडिंग कि वो कहाँ पे है उसके हिसाब से वो शेप चेंज करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं कनेक्टिव सेल्स जो होते हैं दे कम अंडर द सेगमेंट ऑफ जैसे जो हमारे ब्लड सेल्स हो गए ये आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ठीक है परमानेंट टिश्यूज जो है ये प्लांट्स के अंदर होते हैं और पेरनकाइमा जो है ये भी के अंदर है. Stem, जो है एक तना है और जड़ नहीं है जिंजर इज अ स्टेम नॉट अ रूट इनमें से क्या चीज दिखती है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अदरक जो है वो तना है जड़ नहीं है ना जिंजर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कैसे है पहली बात तो डिफरेंसिएशन ऐसे होता है कि जो अदरक है वो जमीन के अंदर नहीं उगती है इट ग्रोस पैरल टू द पैरल टू सॉइल मिट्टी के पैरल में ग्रो करेगी उसके अंदर ग्रो नहीं करती है दूसरी चीज कैसे पता चलता है इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स नोड्स और इंटरनोड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लोरोफिल तो नहीं होता है तो इसलिए ये डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता है फूड स्टोर करता है ये बात सही है लेकिन ये भी डिफ्रेंसिएटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अलग करने के लिए नहीं हो सकता लेकिन नोट्स और इंटरनोट जो है ये रूट या जड़ में प्रेजेंट कभी होंगे ही नहीं हमेशा तने में होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ओनली सीड्स बट नो फ्रूट इनमें से कौन सा पौधा है जो केवल बीज पैदा करता है फल पैदा नहीं करेगा which of the following plants produce only seed but no fruit now cones as a plants in open seeds are? so that is going to be gymnosperms gymnosperms which there in ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड आउटर शेल में ग्रो करता है यानी जो बीज है उसके ऊपर कोई फ्रूट का कवरिंग नहीं होता है तो यूजुअली जिम्नोस्पर्म्स में कोई फ्रूट होता ही नहीं है वो सिर्फ बीज पैदा करते हैं और इसमें साइकस भी आ गया इसमें पाइनस भी आ गया पाइन ट्रीज जो है और साइकस ट्रीज जो है ये सारे के सारे जो है ये सिर्फ बीज पैदा करते हैं फल नहीं देते हैं फॉलोविंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंट्स इनमें से कौन है जो पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है फूड एंड बाकी चीजें ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है तो तीन तरह दो तरह के स्पेशलाइज या वेस्कुलर सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर दो स्पेशन होते हैं एक होता है, है फ्लोएम फ्लोएम का काम जो है वो है खाना खाना ट्रांसपोर्ट करना जो भी खाना बन रहा है कोई भी चीज क्योंकि ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम कैन ट्रांसपोर्ट अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में फ्लो करवा सकता है जाइलम जो है ये सिर्फ और सिर्फ पानी और मिनरल्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट करवा सकता है क्योंकि ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ अप डायरेक्शन में काम करता है तो ये रूट से सारा पानी और मिनरल्स कलेक्ट करके सीधा पत्ती और तने तक लेके जाता है फ्लोएम का काम है पत्ती से जो भी खाना बना है वो सारा का सारा रूट तक भी लेके जाए और शूट के टॉप तक भी लेके जाए फ्रूट तक भी लेके जाए सब जगह लेके जाने का काम मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्ट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड वॉर सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका की गति को क्या कहा जाता है मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यदि अगेंस्ट जा रहे हैं बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करें डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो ऑल ऑफ यू अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर जा रहा है ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट है तो उसको क्या कहा जाएगा वट विल इट बी कॉल नाउ ये मैंने आपको पहले भी कभी कराया है आई थिंक में, में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ये इन द फेवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है यानी कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू लोग की तरफ जाता है अगेंस्ट जब जा रहा है तो उसका मतलब है कि इसको एनर्जी लगानी पड़ेगी अगेंस्ट किसी किसी भी चीज के अगेंस्ट जाओगे यू नीड टू पुट सम एनर्जी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी उसमें तो इसलिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा क्योंकि उसके अंदर सेल की भी एनर्जी लगती है अगेंस्ट जाने के लिए सेम विद द तो फ्लो जाने के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट है कोई एनर्जी नहीं लगती अपने आप सारा प्रोसेस हो जाता है जैसे ऑस्मोसिस हो गया डिफ्यूजन हो गया ये अपने आप हो जाते हैं इनमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन अकर्स फ्रॉम वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो पेड़ में कहा से होती है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन which ऑफ द फॉलोइंग कहा से होगा इवेपोरेशन an आंसर फॉर ऑप्शन बी here. ऑप्शन बी का एक आंसर है स्टेम नहीं स्टेम से नहीं होगा ये लीफ से होता है इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो हमेशा लीफ से होगा क्योंकि लीफ में प्रेजेंट होगा स्टोमेटा अगर आपसे पूछते हैं कि कौन से सेल्स हैं जो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण प्रोसेस करवाते हैं तो वो है स्टोमेटा स्टोमेटा सेल्स कैसे होते हैं इस तरीके के सेल्स होते हैं दो ऐसे गार्ड सेल्स होंगे बीच में ऐसे पोर क्रिएट करते हैं जहां से वाटर जो है वो एग्जिट कर सकता है व्हेन इवेपोरेशन नहीं करना है तो इस तरीके से वो क्लोज भी हो जाते हैं नो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन हेल्दी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट ऑन वन मिनट एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय धड़कन कितनी होनी चाहिए बीच पर मिनट फॉर अ हेल्थी पर्सन ऑप्शन सी सेवेंटी टू टाइम्स इज द बीच पर मिनट अमाउंट ऑफ ब्लड फाउंड इन द बॉडी ऑफ अ मैन मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है वॉट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड जो एक हेल्दी ह्यूमन में पाया जाता है बॉडी वेट का कितना परसेंट होना चाहिए लगभग कितना परसेंट होना चाहिए अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी आंसर बी या ए द आंसर नहीं पच्चीस दस दस पच्चीस परसेंट नहीं सिर्फ सात परसेंट होता है सेवन परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वेट इज दिस सिर्फ बॉडी वेट जितना भी है उसका सात परसेंट जो है उतना ही ब्लड होता है एक ह्यूमन के अंदर रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला महत्वपूर्ण घटक कौन सा है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ब्लड क्लॉट कराने के लिए कौन सी इनमें से कौन सा पार्ट है जो जिम्मेदार है विटामिन तो हम लोगों ने पिछले सेशन में कर लिया था कौन सा विटामिन था विटामिन के जो है ये फाइब्रंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है जो थके बनाने में मदद करता है लेकिन नेचुरली भी तो कुछ प्रेजेंट होगा ना ब्लड को रोकने के लिए तो कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्लड को क्लॉट करवाने में मदद करता है ना इसमें कौन सा होगा ना हीमोग्लोबिन का तो आप लोगों को काम पता है उसका काम क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराना ठीक है प्लाज्मा जो है ये फ्लुइडिटी प्रोवाइड करता है येलो कलर का फ्लूइड होता है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है इन सभी सेल्स को प्लेटलेट्स का काम होता है कि कहीं भी लगे तो सबसे पहले चोट लगने पे प्लेटलेट जो है ये हल्की सी फ्लैट सेल्स होते हैं और ये सबसे पहले जा करके क्लॉटिंग करते हैं उसके बाद फाइब्रिनोजेंस जो है वो कलेक्ट अप होते हैं मानव शरीर में हृदय का काम है क्या वॉट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है वॉट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी नाउ हार्ट जो है वो किसका काम करता है आंसर फॉर वर्क लाइक पंपिंग दैट्स राइट इसका काम जो है मोटर की तरह है सिर्फ ब्लड को पंप करवाने का काम है फ्रॉम हार्ट टू एवरी ईच एंड एवरी ऑर्गन जो है ब्लड पंप वहां तक हो सके अगेंस्ट द ग्रेडिएट इन फेवर ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी दोनों कंडीशन में ब्लड पहुंचना चाहिए दैट इज द पर्पज तो पंपिंग मशीन की तरीके से काम करता है और कोई काम नहीं है हार्ट का ट्रांसपोर्ट कराने का काम है यानी एक मोटर की तरह पुश देने का काम है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का काम क्या है वॉट इज द फंक्शन ऑफ ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी है जैसा बताया उनका काम है ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करना तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ऑप्शन में है बिल्कुल सही ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल सही इसका काम है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कराना पेसमेकर कई लोगों के लगाना पड़ता है स्पेशली आप पोस्ट हार्ट अटैक पेसमेकर लगाना पड़ता है अब ये पेसमेकर का, का काम क्या है क्यों लगाना पड़ता है वाई इज देयर अ पेस मेकर ऑप्शन सी दैट वुड बी राइट हार्ट बीट्स को रेगुलेट करने के लिए जब हार्ट अटैक तो उसके बाद हार्ट का पंपिंग प्रोसेस जो है वो स्लो पड़ जाता है तो हार्ट बीट को दोबारा से इनिशिएट कराने के लिए उस प्रोसेस को इनिशिएट करा के उसको रेगुलेट रखने के लिए नॉर्मल रेट रखने के लिए पेसमेकर की जरूरत पड़ती है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को सार्वभौम कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर यानी वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं एवरी पर्सन कैन एक्सेप्ट द ब्लड ऑफ दिस कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव नहीं ओ नेगेटिव ओ ओ नेगेटिव नेगेटिव इज द ब्लड क्योंकि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन भी नहीं चिपका हुआ होगा यानी आर एच फैक्टर भी नहीं है उसका और ब्लड ग्रुप भी हो यूनिवर्सल डोनर तो वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं बिना सोचे उनका ब्लड ले सकते हैं कोई भी पॉजिटिव ग्रुप वाला अगर पर्सन है तो उस वो ओ पॉजिटिव का ग्रुप ले सकता है चाहे वो ए बी पॉजिटिव हो ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हो लेकिन अगर नेगेटिव ग्रुप वाला तो वो ओ पॉजिटिव का ग्रुप नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो पॉजिटिव वाला आर एच फैक्टर नहीं होगा विच अमंग कैरीज इन ब्लड टू ह्यूमन हार्ट निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है इम्प्योर ब्लड पहुंचाने का काम किसका है ना आर्टरीज एंड वेन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पर उसके साथ मैंने आप लोगों को एक एक्सेप्शन भी बताए थे आर्टरीज और वेन्स दोनों में एक एक एक्सेप्शन भी हैं। तो जल्दी से इम्प्योर ब्लड जो है वो ह्यूमन हार्ट तक कौन लेके आता है वेन्स का काम होता है यूजुअली ये वेन्स का काम होता है कि वो इम्प्योर ब्लड को लेके आए ना आओटल का जो काम है ये क्या करता है लोअर बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट से जा रहा है वो लेके जाता है आओटा का काम है टू टेक ब्लड अवे दूर लेके जाता है इट इज दिन आर्टरी ये हमारे ह्यूमन uh, बॉडी की मेन आर्टरी होती है जो हार्ट से कनेक्ट है जो सारा ब्लड नीचे हमारे ह्यूमन बॉडी में पहुंचाने का काम करती है सभी आर्टरीज़ में पहुंचाती है पल्मोनरी वेन जो है ये लंग्स से ऑक्सीजन uh, वाला ब्लड लेके आती है जो भी ऑक्सीजनेटेड uh, ब्लड हुआ है लंग्स में ऑक्सीजन अटैच हुई है उस ब्लड को ह्यूमन हार्ट तक लेके आती है जिससे वो ह्यूमन बॉडी में पंप हो सके पल्मोनरी आर्टरीज़ का काम है कि लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाते हैं ब्लड को लंग्स के पास लेके जाते हैं कावा वन ये मेन वेन है दिस इज़ मेन वेन जैसे मेन आर्टरी ह्यूमन बॉडी की आवटा है ऐसे ही मेन वेन जो है ह्यूमन बॉडी की वो वीना कावा है तो इसका काम है सारी वेन्स का कलेक्ट करके एक सोर्स से ब्लड ह्यूमन uh, हार्ट तक पहुंचाना तो मेन वेन है जो सारी वेन का कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आती है कार्ल लैंडस्टाइनर डिस्कवर्ड व्हाट कार्ल लैंडस्टाइनर ने किसकी खोजा मेटल है या धातु है जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट मिलेगा विच मेटल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन हीमोग्लोबिन तो so, हीमोग्लोबिन जो है जैसा पहले बताया ये आयरन का कॉम्पोनेंट होल्ड करके रखता है आयरन इज प्रेजेंट इन दिस एसिडिक होता है ब्लड या बेसिक होता है नॉर्मली ब्लड इज एसिडिक और बेसिक द नॉर्मल स्केल ऑफ पीएच जो ब्लड का होगा इट इज स्लाइटली एसिडिक हल्का सा एसिडिक होगा तो 7.4 के आसपास रहता है 7.3 से 7.4 के बीच में पीएच वेरी करता है ब्लड का तो हल्का सा बेसिक होगा हल्का सा बेसिक होगा ये नॉट एसिडिक बेसिक होगा सेवन से ऊपर सारे बेसिक हो जाते हैं बट वेरी स्लाइट बेसिक सेवन पॉइंट थ्री से के बीच में आर एच फैक्टर या कारक की खोज किसने करी थी ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर क्या होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव आ, हम लोग ब्लड को बोलते हैं उसको बोला जाता है आरएच फैक्टर ना आर एच फैक्टर किसके द्वारा लाया गया या कौन है जो आर एच फैक्टर की जिन्होंने खोज करी थी तो दिस वॉज एंडर लैंडस्टाइनर और विनर दोनों का काम था इन्होंने 1940 1940 के अंदर ऐसा खोज किया कि देर इज मतलब मंकी पे पहले किया था मैकस रिस के ऊपर इसीलिए आर फैक्टर बोलते हैं मैकेकस रिस के ऊपर ये खोज करा था जिसके अंदर मान जाना गया कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप भी होता है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट हो और नहीं हो इसका डिफरेंस होता है दिल की धड़कन की दर द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनमें से कौन सा हार्मोन है जिस जो हार्ट uh, बीट को बढ़ाने का काम कर सकता है इनमें से कौन सा है जो हार्ट बीट बढ़ाने का काम कर सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन एक्सेलरेट द हार्ट बीट ंग टू बी जैसा मैंने बताया आपको जो हमारा एमरजेंसी हॉर्मोन होता है एमरजेंसी हॉर्मोन है हमारा एड्रनलिन एड्रलिन जो है ये हार्ट बीट इंक्रीज कर सकता है क्योंकि इसका काम एवं आउट ऑफ फीयर यू मस्ट सीन हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है बाय नेचुरल हो जाती है समथिंग ऑर दर तो एड्रनिन पुष्प मिलता है जिसकी वजह से एमरजेंसी हॉर्मोन बोलते हैं और इसीलिए वेन एवर समेसिंग एनी हार्ट इश्यू अगर हार्ट स्लो होता जा रहा है तो उस केस के अंदर भी एड्रीनलिन के शॉट दिए जाते हैं ठीक है नाउ नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू

फॉर ऑल दी साइंस बेस्ड क्वेश्चन ये पूरा जीएस का सेगमेंट रहता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें डोंट फोर्गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो सी इन द नेक्स्ट क्लास टुमोरोट इलेवन ए ए एम टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल